इतिहास जान लीजिए। अब एक मजेदार निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद को लेकर। बाबरी मस्जिद को लेकर के जो पहला FIR दर्ज हुआ था वो किसी हिंदू के ऊपर नहीं हुआ था, पंजाब से लाकर के कुछ सिखों को उसमें नाम दे दिया गया। और ये जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज जानते थे इस बात को कि इस देश को यदि कमजोर करना है तो इस देश को आपस में बांटना बहुत जरूरी है। क्या मैं गलत जानकारी आपको दे रहा हूं कि अंग्रेजों ने इस देश को बांटने के लिए मस्जिदों में सुअर का मांस और मंदिरों में गाय के मांस फिरवाए थे, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए थे, और जो माफी मांगी गई पहचान के आधार पर राजनीति करने वाले तथा कथित स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, उन्होंने अपनी हर माफीनामे में लिखा कि हमको काला पानी से बाहर कर दीजिए, माए बाप आपका हम बहुत मदद करने वाले हैं। एक तरफ हिंदू महासभा और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, दोनों की मदद से हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति को हवा दे करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि हम इस देश को और गुनाम बना करके नहीं रख सकते हैं, तो अवसरवादी नेताओं की मदद से इस देश का बंटवारा करके चले गए। और आज भी 70 साल हो गए हैं इस देश के आजादी को, हमारे दिमाग में यही घूमता रहता है। एक बात आप सोच करके बताइए कि आपके पास एक फ्लोर का घर है तो आप कंपटीशन 3 फ्लोर के घर वाले से करेंगे या जो फुटपाथ पे सोने वाला आदमी है उससे कंपटीशन करेंगे? भारत को यदि कंपटीशन करना होगा तो भारत को फ्रांस से कंपटीशन करना चाहिए कि पाकिस्तान से कंपटीशन करना चाहिए? ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इस देश में फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाली, अंग्रेजों को समर्थन करने वाली पार्टी आज इस देश की सरकार के सत्ता पे काबिज है। और बहुत चालाकी से उसको मालूम है कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके दिल में एक दर्द है, बंटवारे का दर्द है। वो दर्द इसलिए है कि रातों रात आधा खेत भारत में और आधा खेत पाकिस्तान में चला गया, रातों रात ससुराल हिंदुस्तान में और मायका पाकिस्तान में चला गया। यह जो बंटवारे का दर्द है, इस बंटवारे के दर्द को अगर आप महसूस करने की कोशिश करेंगे, या तो आपको हमारा जो पश्चिमी सीमा है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वहां के लोगों में आपको ज्यादा मिलेगा, या जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा। और शरणार्थी कैंपों में जो लोग आकर के रहे थे तो आप दिल्ली के इलाकों में जब घूमेंगे तब आपको मिलेगा। उस दर्द को, उस घाव को जान बूझ करके दिन रात उड़ेला जाता है, उसको जिंदा किया जाता है, ताकि इतने साल साथ रहने के बावजूद हम हिंदू और मुसलमान बने रहे या हिंदुस्तान आपस में एक ना हो पाए, भारत एकजुट ना हो पाए। और उसी राजनीति को हवा देने के लिए यह पूरा का पूरा एक्सरसाइज किया जा रहा है। हमसे पूछ लीजिए तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार यदि चाहती है कि वो अपने नागरिकों की पहचान करे, सरकार यदि चाहती है कि वह अपने नागरिकों का काउंटिंग करे तो कर ले, ये सरकार का काम है, सरकार लोगों को क्यों परेशान करे? एक बात आप सोच करके